हम भी इस परिवार के साथ हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, सैफई की गलियों में ये देखिए अखिलेश यादव मौजूद हैं और बैठे हैं। सभी एक ही नारे लगा रहे हैं, धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद, नेताजी अमर रहे। अब भारी भीड़ है सैफई में। ये रथ जहां मुलायम सिंह पैदा हुए, जहां रहे, जो उनकी कर्मस्थली रही, यहां से वो अंतिम यात्रा पर निकल गए हैं। जहां भी हैं लोग छतों पे जमा हैं। अखिलेश यादव नीचे हैं, उनके साथ प्रतीक यादव हैं, आदित्य है, धर्मेंद्र यादव है, ये सारे लोग हैं। नारे जमकर लग रहे हैं, जिसका नाम मुलायम है। नेताजी का नाम रहेगा, नेताजी का नाम रहेगा, नारों से गूंज रहा है। भारी भीड़ है, धक्का मुक्की का ये आलम है। हालांकि यहाँ पर भारी फोर्स तैनात किया गया था, लोग नारे लगा रहे हैं नेताजी अमर रहे, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा भीड़ है, लोगों में उत्साह है, देखिए। और नेताजी अपनी अंतिम यात्रा पर चल दिए, नेताजी अपनी अंतिम यात्रा पर चल दिए। यहाँ से एक खुले मैदान में नेताजी का पार्थिव शरीर रखा जाएगा, उसके बाद 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सैफई परिवार के सारे लोग मौजूद हैं, भीड़ का आलम ये देख ही रहे हैं। लोगों को अपनी भावनाओं पे काबू रखना बहुत मुश्किल हो गया है। रथ पूरी छतों पर लोग पटे पड़े हैं, हर जगह नेता मुलायम सिंह के नारे लग रहे हैं। रथ पर पूरा परिवार सवार है, बहुत से लोग यहाँ गमगीन आंखों में हैं, रो रहे हैं। बहुत से युवा इस दुखद पल को अपने मोबाइल में कैद कर सहेजना चाहते हैं। कई किलोमीटर लंबा ये काफिला हो गया है और ले जाया जा रहा है, नेताजी अंतिम यात्रा पर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से आए हैं, बहुत सारे अन्य प्रदेशों से आए हैं। नेताजी इतने अच्छे इंसान थे कि उन बच्चे की अच्छाई आज दिखाई पड़ रही है। बहुत टॉपर आदमी थे। यहाँ सिर्फ एक ही नारे हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताजी का नाम अमर रहेगा। और नेताजी ने पूरे आज़ादी के बाद जो है संघर्ष कर नौजवानों को, कम से करोड़ों नौजवानों को ऊर्जा देने का काम किया है, रोजगार दिया और समता। कहाँ से आए हैं आप? मैं गाजीपुर से आया हूँ, गाजीपुर जमानिया विधानसभा से मैं प्रभारी हूँ। नेताजी की क्या बात आपको बहुत अच्छी लगी? नेताजी का जो जलवा था और जो सोच था, जो विचार था, नीचे से उठकर संघर्ष कर नेताजी ने बड़ी समाजवादी पार्टी को ऊपर पहुंचाने का काम किया। क्या नेताजी का जहां वो पहुंच गए थे, कोई दूसरा नेता पहुंच सकता है? नेताजी ने गरीब किसानों और मजदूरों की बहुत मदद करी, लोगों की। ये मदद ही जो लोगों को जो नेताजी बुला रहा था। लोगों का कहना है, ये देखिए पूरी एक शव यात्रा जा रही है, अंतिम पड़ाव इसका पास ही में हनुमान जी का मंदिर है, घंटाघर के पीछे है, वहाँ पर चिता बन चुकी है। लेकिन अभी 2:30 बजे तक लोगों के दर्शनार्थ नेताजी का पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहाँ लोग श्रद्धांजलि देंगे। आप मेरी दोनों तरफ देखिए, छतों पे, यही वो जगह है जहाँ नेताजी पैदा हुए थे, बड़े हुए, पले, और उसके बाद ये पूरी उनकी कर्मस्थली बनी रही। अब ये देखना है कि ये भीड़ कितनी ज़्यादा और बढ़ जाती है। सुधीर शर्मा, सैफई, यूपी तक।